शैया तेरी, शीर सागर में है शेष शैया तेरी। पार कर दो हे भगवान नैया मेरी, पार कर दो हे भगवान नैया मेरी। रूप चारों भुजाओं का जो हो की, रूप चारों भुजाओं का जो हो की। शंख I'm not afraid।
दानव से हुआ सामना। Oh,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तजनों, जब जब धरती पर पापों का भार बढ़ता है, तब तब श्री हरि भिन्न भिन्न स्वरूपों में अवतार धारण करते हैं और धर्म की रक्षा करने हेतु धरा पर आते हैं। भक्तजनों, आज मैं आपको श्री हरि के नरसिंह अवतार की कथा सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे भगवान श्री हरि ने नरसिंह का रूप धारण किया और कैसे अपने अनन्य भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करी। श्री नरसिंह अवतार के होने पर सभी ने भक्त प्रहलाद की भूरी भूरी प्रशंसा करी कि उन्हीं की भक्ति के कारण भगवान को नरसिंह अवतार लेना पड़ा और हिरण्यकश्यप के आतंक से उनको मुक्ति प्राप्त हुई। परंतु भक्त प्रहलाद इस विषय में क्या सोचते हैं, आइए उनके उद्गारों को इस भजन के माध्यम से सुनते हैं। तो एक बार फिर बोलिए, बोलिए श्री हरि नारायण भगवान विष्णु की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप विष्णु मेरा नाम हो रहा है, करते हो आप विष्णु मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी से अनोखा वरदान प्राप्त किया कि उसे न तो कोई दिन में मार सकता है, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न काट कर, न पीट कर, न अंदर न बाहर, तब भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखते हुए हिरण्यकश्यप का अंत किया। परंतु उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था भक्तों। तब भक्त प्रहलाद उनकी गोद में चढ़कर बैठ गए और उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे श्री हरि, जब मेरे पिता ने मुझे पर्वत से नीचे फेंका तब मैं श्री हरि के नाम का जाप कर रहा था, तभी मुझे लगा कि आपके वरह अवतार ने जैसे दांतों के मध्य धरा को बचाया था वैसे ही मुझे भी बचा लिया है। भगवान, मुझे ऐसा लगा आपकी चारों भुजाओं में मैं लेटकर आराम कर रहा हूँ। फिर जब उन्होंने मुझे सागर में फेंका तब भी श्री हरि मैं आप ही का नाम ले रहा था। जैसे जैसे सागर में डूबता जाता एक अनोखी रोशनी दिखती जाती, आपने मुझे अपने श्री हरि रूप का दर्शन दिया। शेष की शैया पर आप लेटे थे, माँ कमला आपके पैर दबा रही थी, ऐसा दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। फिर आपका मत्स्य अवतार आया और मुझे सागर के तट पर वापस छोड़ गया। पर्वत से जो गिरा मैं मुझे आपने बचाया, पर्वत से जो गिरा मैं मुझे आपने बचाया, सागर में जो डुबोया हरि ने दरस दिखाया, सागर में जो डुबोया हरि ने दरस दिखाया। बिन मांगे दर्श तुम्हारा
कठोयाम हो रहा है। बिन मांगे दर्श तुमरा आठोयाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रहलाद की स्तुति सुनकर भगवान नरसिंह का क्रोध धीमे धीमे शांत हो रहा था। बक्कू प्रहलाद अब उनकी गोद में बैठा आगे क्या बखान करता है सुना रहा हूँ भक्तों। कहता है, हे भगवन, आपने मेरे लिए तो स्वयं अपना विधान भी बदल कर रख दिया। भगवन, मेरी बुआ होलिका जिसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, जब वो मुझे लेकर अग्नि की चिता पर बैठी तब मेरे पिता ने सोचा था कि होलिका तो बच जाएगी और मैं जलकर राख हो जाऊंगा, परंतु जब चिता जलाई गई तब भी मैं श्री हरि के नाम की स्तुति कर रहा था। अग्नि जैसे जैसे तेज होती गई मुझे ऐसा लगता कि जैसे आपका शेषनाग मेरी छाया कर मुझे ताप से बचा रहा है। और ये क्या प्रभु, जिस होलिका को न जलने का वरदान था वो जलकर राख हो गई। विधि का विधान पलट गया और आपके नाम की जय जयकार होने लगी। अग्नि में लेके बैठी होलिका मुझे थी भगवन। अग्नि में लेके बैठी होलिका थी मुझको भगवन। जल गई थी वो स्वयं ही मुझको बचाया भगवन। जल गई थी वो स्वयं ही मुझको बचाया भगवन। उल्टा उसी पे उसका वरदान हो रहा है। उल्टा उसी पे उसका वरदान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नरसिंह अवतार की गोद में बैठा प्रहलाद आगे कहता है, प्रभु जब मेरा पिता हिरण्यकश्यप हर तरह से मुझे मारने से हार गया तब उसने यह लौह स्तंभ बनवाया और उसे अग्नि में तपाकर लाल कर दिया था प्रभु। और जैसे ही वो मुझे उससे बांधने के लिए ले गया तो मैंने देखा उस तपते हुए लौह स्तंभ पर एक चींटी चल रही है। मैं जान गया था प्रभु कि जब आप एक चींटी का ध्यान रखते हैं तो भला अपने भक्त का ध्यान क्यों नहीं रखेंगे। मैं स्वयं तपते हुए लौह स्तंभ से लिपट गया और आपके नाम का सुमिरन करने लगा। जब मेरा बाल भी बांका न हुआ तो मेरा पिता खड़ग लेकर ज्यों ही मुझे मारने आया, आप इस खंभे को फाड़कर प्रकट हुए प्रभु। और ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखते हुए आपने मेरे पापी पिता का अंत कर दिया। खंभे को फाड़े भगवन अपना दरस दिखाए। खंभे को फाड़े भगवन अपना दरस दिखाए। पापी को मारा भगवन भक्तों को थे बचाए। पापी को मारा भगवन
भक्तों को थे बचाए, मुख से मेरे सदा ही हरि नाम हो रहा है, मुख से मेरे सदा ही हरि नाम हो रहा है। हे नारायण, हे श्री हरि, हे जगत के पालनहारे, अब शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए और अपने वैकुंठ लोक को लौट जाइए। आपकी सदा ही जय जयकार है प्रभु, आपकी सदा ही जय जयकार है। आप भक्त वत्सल हैं, जगत के पालनहारे हैं, मेरे जैसे अन्य भक्त भी आपकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। अब आपके नरसिंह अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है, अपने पुनः हरि नारायण स्वरूप में आइए भगवान, मुझे दर्श दीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। इतना सुनना था कि श्री हरि नारायण अपने विराट रूप में आए, भक्त प्रहलाद को दर्श दिए, उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अपने वैकुंठ लोक चले गए। और भक्त प्रहलाद श्री हरि नाम की मस्ती में डूबा गा रहा है, श्री मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों पे कृपा करते भव पार हो लगाते, भक्तों पे कृपा करते भव पार हो लगाते, हम करते हैं आराधन चंदन तिलक लगाते, हम करते हैं आराधन चंदन तिलक लगाते, चरणों में आपके ही मेरा धाम हो रहा है, चरणों में आपके ही मेरा धाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी